हमारे अगले जो प्रतिभागी हैं, ये मंच पर बैठी दो महिलाओं में से एक हैं और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। श्रुति, श्रुति जो है बेहद मार्मिक कविताएं लिखती हैं और उस पर जब हुस्न और इश्क का छौंक लग जाए तो फिर क्या कहना। चार पंक्तियों से मैं माहौल बनाता हूँ। श्रृंगार की कविताएं कैसे सुननी है आपको भलीभांति आता है। बस जॉन एलिया की चार पंक्तियां हैं और उनसे जुड़िएगा। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। एक चीज मैं बता रहा हूं, आपकी तालियां बहुत कम है। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। अरे यार सुनो, कुछ तो हाल बताओ उसकी कयामत बाहों के, वो जो उनमें सिमटते होंगे वो तो मर ही जाते होंगे। नमस्कार, मैं श्रुति गाजियाबाद से आई हूँ। हाँ, मानती हूँ आप लोगों ने ज्यादा सुने नहीं है गाजियाबाद के शायर, पर उन्हीं में से एक हमारे बीच बैठे हैं, ये हमारे प्रोफेसर एच के मलिक साहब, गाजियाबाद के ही तो हैं। और अकबराबादी, इलाहाबादी, इंदौरी बहुत सुने होंगे आपने, मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गाजियाबादी कुछ कम हैं। अरे देश के इतने बड़े कवि कुमार विश्वास, उनको तो जानते हैं ना, उनके गुरु कुंवर बेचैन साहब गाजियाबाद से ही हैं। अब जरा कुंवर बेचैन साहब का नाम आ ही गया है तो उनकी एक शायरी पढ़े देती हूँ। बिल्कुल। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात। क्या बात। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात, क्या बात। अब जैसा कि वैभव सर ने कहा कि मैं इश्क और हुस्न के बारे में ज़्यादा बातें करती हूँ, तो हाँ मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं बात करूँगी उस प्यार के बारे में जो आपको 10वीं कक्षा में होता है, जब आप बहुत मासूम छोटे से होते हो और आपको कोई एक इंसान दिख जाता है और आपको लगता है कि ये तो मेरा यही बना है, इससे तो दूर नहीं जाना है अब मुझको। वो मासूम सा प्यार जिसमें आपकी बस एक ही इच्छा होती है कि ज़रा सा समय मिल जाए इसके साथ बिताने के लिए, बस ज़रा सा। हाँ, उसके सामने आते ही चेहरे पे सुर्खी छा जाती है और होठों पर ताले लग जाते हैं, फिर भी दिल ये सपना देखना बंद नहीं करता कि कब उससे बात होगी और कब उससे बात होगी। इसी प्यार के बारे में जॉन एलिया साहब ने एक गज़ल कही है, मैं आपको ज़रा सुनाना चाहूँगी। कि उनके रुख को हया की सुर्खी का पैगाम आने वाला है, उनके रुख को हया की सुर्खी का एक पैगाम आने वाला है, बस वो घबराए, बस वो शर्माए, अब मेरा नाम आने क्या वाला है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब जिससे हमने प्यार किया, अब अगर सामने से वो भी आपको प्यार करे तब तो बात ही क्या। इश्क है ना, अच्छे अच्छों को बदल देता है। जो लड़की पूरा दिन किताबों के बीच घुसी रहती थी, आजकल शीशे से दोस्ती कर ली है उसने। और वो लड़का जिसे क्रिकेट के आगे कुछ भी नहीं दिखता था, मैदान से दूर उसकी गलियों में ज़्यादा दिखने लग गया है आजकल। इसी प्यार के बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनाना चाहूँगी। कि आहिस्ता आहिस्ता नैनों के पैमाने में डुबा दिया, आहिस्ता आहिस्ता नैनों के पैमाने में डुबा दिया, गुफ्तगू भरी रातों में नींदों को ही उड़ा दिया। क्या बात। आहिस्ता आहिस्ता नैनों के पैमाने में डुबा दिया, गुफ्तगू भरी रातों में नींदों को ही उड़ा दिया। मुसलसल मुलाकातों का दौर भी कुछ ऐसा चला, मुसलसल मतलब लगातार, मुसलसल मुलाकातों का दौर भी कुछ ऐसा चला कि तुमने तो इंतज़ार से भी इश्क करना सिखा दिया। क्या बात, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैंने एक शेर लिखा है इसी बारे में, कि तुम चले जाओ
ऐसी तुम चले जाओ तो मुंह मोड़ लें, ऐसी दिल लगी नहीं होती। अच्छा। तुम चले जाओ तो मुंह मोड़ लें, ऐसी दिल लगी नहीं होती। वो फूल होना मुश्किल है जिसे हवाओं की तिश्नगी नहीं होती। क्या बात। अब बात क्या है ना कि अगर आपको किसी से प्यार हुआ पर खुशियों का दौर ज़्यादा दिन कहाँ टिकता है, ये तो आप सभी जानते हैं। जिसने भी स्कूल में प्यार किया होगा, यहाँ बहुत ही कम लोग होंगे जिनके साथ आज भी उनके साथ उनका चल रहा होगा। तो अब होता क्या है कि आपने मन की बात कह दी गई। तो अब हुआ क्या कि जिससे प्यार किया उसने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। जिसने प्यार किया उससे हमने मुंह उसने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी पे एक शायरी लिखी कि प्रेम का ढाई आखर तुमने ही पढ़ाया है, प्रेम का ढाई आखर तुमने ही पढ़ाया है, मगर तुमने ही दिखाया कि जहाँ में सब पर आया है। प्रेम का ढाई आखर तुमने ही पढ़ाया है, मगर तुमने ही दिखाया कि जहाँ में सब पर आया है। मगर तुमसे रंजिश रखूँ भी तो कैसे, तुमसे रंजिश रखूँ भी तो कैसे, तुम्ही ने तो खुद से प्यार करना सिखाया। वाह। अब हो क्या रहा है कि अपना तो टूट गया लेकिन बाकी सबका चल रहा है। अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखकर हमने लिखा कि जिसे चाहे उसे पाए, ऐसी सबकी किस्मत नहीं। जिसे चाहे उसे पाए, ऐसी सबकी किस्मत नहीं। बंदे हैं सब उसके पर सब पे उसकी नेमत नहीं। बहुत खूब। जिंदगी की दौड़ ने कई बार गिराया है जनाब, जिसे चाहे उसे पाए, ऐसी सबकी किस्मत नहीं। बंदे हैं सब उसके पर सब पे उसकी नेमत नहीं। माफ़ कीजिएगा। जिंदगी की दौड़ ने कई बार गिराया है जनाब, मगर इस बार उठने की हम में हिम्मत नहीं। बहुत खूब। ज़रा अगली शायरी इसी बात के ऊपर पेश करना चाहूँगी कि इंतज़ार में खुद को जलाना कोई बुरी बात नहीं। इंतज़ार में खुद को जलाना कोई बुरी बात नहीं, पर जो शीशे तक ही सिमट जाए वो मुलाकात नहीं। वाह। इंतज़ार में खुद को जलाना कोई बुरी बात नहीं, मगर जो शीशे तक ही सिमट जाए वो मुलाकात नहीं। सूख जाते हैं कई दरिया सागर छूने के पहले भी, सूख जाते हैं कई दरिया सागर छूने के पहले भी, हर किसी का मुकम्मल हो जाए इश्क वो सौगात नहीं। क्या बात। जितनी खूबसूरती के साथ आप लोग सुन रहे हैं तो बस विदा लेना चाहूँगी आप लोगों से एक साखरी गज़ल के बाद। ये गज़ल कुछ ऐसी है, मतलब का शेर ये है कि जहन से कभी निकलेगी नहीं वो बात ही कुछ ऐसी थी, जहन से कभी निकलेगी नहीं वो बात ही कुछ ऐसी थी, हर किसी के आंसू छिप गए वो बरसात ही कुछ ऐसी थी। वाह। जहन से कभी निकलेगी नहीं वो बात ही कुछ ऐसी थी, हर किसी के आंसू छिप गए वो बरसात ही कुछ ऐसी थी। उन नशीली आंखों के आगे जाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन नशीली आंखों के आगे जाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तलक मैखाने का रुख नहीं किया हमने वो मुलाकात ही कुछ ऐसी थी। वाह। अब तलक मैखाने का रुख नहीं किया हमने वो मुलाकात ही कुछ ऐसी थी। और कि इश्क शर्मसार हो गया जब देखा उसको किसी गैर के साथ, इश्क शर्मसार हो गया जब देखा उसको किसी गैर के साथ, चकोर ने भी नजरें फेर ली चांद से वो रात ही कुछ ऐसी थी। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया चाहूंगी।